सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसके पहले दिन दोपहर 4 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। और 24 घंटे अखंड श्री हरि नाम संकीर्तन विजय मंत्र दिव्य गौ माता के घी से प्रयुक्त अखंड ज्योति के इस पावन अनुष्ठान में आप हम सबको सहभागी बनना है। ज्यादा से ज्यादा भगवत आराधना हो, आप हम सब ने प्रयास करने हैं, क्योंकि पूर्व में हमारे सभी महापुरुषों ने भगवान की आराधना के द्वारा ही, भगवान के भजन के बल से ही सनातन धर्म संस्कृति की गौ माता की बहुत बड़ी सेवा करी है। वर्तमान समय में आप हम सबको भी अपने व देश के राष्ट्र के मंदिर के लिए, विश्व के मंदिर के लिए माँ भगवती की कृपा के पावन प्रांगण में बैठ करके अथवा अपने घर में बैठ करके पुरुषोत्तम मास के श्रावण मास के पावन पर्व पर ज्यादा से ज्यादा भगवत आराधना का लाभ प्राप्त करना है। तो आइए हमारे जोगिंदर महानगर के बहुत ही धार्मिक संस्थाओं से, धार्मिक कार्य गो सेवा से हमारे श्री प्रवेश जी, डबली जी और सनी जी, इनका सभी परिक्रम जो माँ भगवती की कृपा करना प्राप्त करते हुए आज एक बहुत ही सुंदर संकल्प हमारे प्रवेश जी का कहते में सभी परिक्रम के हृदय में वह है कि पिछले कई सालों से गौ सेवा मिशन देश व पंजाब के निपुण क्षेत्रों में गौ सेवा के लिए प्रयास कर रहे हैं। विराजमान गोसेवी परम पूज्य आदरणीय प्रातः वंदनीय गुरुदेव महाराज स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। प्रभु दास का परिणाम स्वीकार कीजिए। मंच पर विराजमान भजन मंडली जिन्होंने आज स्वामी जी के सन्निध में आकर एक ही बात कही कि स्वामी जी आप हमें अपनी शरण में लीजिए। बहुत लंबे समय से देवी तला मंदिर में, बहुत लंबे समय से देवी तला मंदिर में नित्य सुबह सात बजे से संकीर्तन होता है। हमें कल वहां निमंत्रण मिला, हम पहुंचे तो आज ये लोग महाराज जी से मिलने आए कि बोले महाराज जी हमारे मंडल का नाम
गो सेवा मिशन ही रख दीजिए। कितना बड़ा समर्पण, क्या तालियां बनती हैं? जय जय श्री राधे।